कैसे हैं सब लोग। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे और हम लोगों को भी अच्छा रखे, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है हमारी। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट टमाटर ओनियन चिकन, जो कि बहुत ही अच्छा सा तैयार होता है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक 1 kg, ठीक है, ये 1 kg है, समथिंग 1 kg का ही मसाला आपको हम बता रहे हैं। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो ज्यादा मसाला शामिल करिएगा, है ना। तो इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, इसको मीडियम कट में इस तरीके से कटवा लिया है, ये वॉश है। और हमने चाहिए 2 onion, ठीक है, इस तरीके से बड़ी बड़ी कटी हुई, 3 green chili और 1 तेज पात रखा है हमने। टमाटर 2 थे, इस तरीके से बड़े बड़े आपने कट करने हैं। 1/2 कटोरी से ज्यादा हमने योगर्ट शामिल करनी है। 1 teaspoon हमने रेड चिली ली है। कोकोनट आप हमने फ्रेश यूज किया है। अगर कोई मसला है आपके पास नहीं है तो पहले आप वो ड्राई वाला कोकोनट पानी में सोप कर दें, फिर उसको यूज कर लें। क्या है, किस जगह यूज होगा वो भी हम आपको बताते हैं। फिर हमने इसमें लिया है धनिया पाउडर 3 टीस्पून, हसब जरूरत नमक चाहिए होगा आपको, टर्मरिक 1 टीस्पून, और इसमें सिर्फ हम गार्लिक ही शामिल करेंगे। 2 गार्लिक पूरे सौते वाले हमने इसको पील कर लिए हैं, और इसको हम किस स्टेज में यूज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेमन लिया है 1 कटोरी, और ये हमने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। खड़े गरम मसाले में आपने सिर्फ शामिल करना है जीरा, 5-6 ही ब्लैक पेपर और 1 इलायची और 1 डोना, ठीक है, इतना ही शामिल करना है। अब इसको कैसे बनाना है वो हम आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना पैन, अपनी कढ़ाई जो भी है उसको गैस पे रख देनी है। और इसमें हम यूज कर रहे हैं ये ऑयल, ठीक है, इसमें हम लिटिल बिट ऑयल डालेंगे और अपना ये चिकन जो है उसको रख देंगे। और पूरी कुकिंग हम स्पेशली मस्टर्ड ऑयल से करेंगे। मस्टर्ड ऑयल हमको लगता है इस रेसिपी के लिए बेस्ट है, इससे अच्छा जायका निकल के आता है। तो आप भी बेसिक मस्टर्ड ऑयल अगर यूज करते हैं तो कर ले, वरना अपने नॉर्मल वाले कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये चिकन की पीसेस आपने इसमें रख देने हैं, इस तरीके से पूरे चिकन के पीसेस आपने इसमें रखने हैं। सबसे पहले का काम आपका है, हाँ, कि चिकन की पीसेस आपको अलग एक कढ़ाई में सब्जी बॉयल होने के लिए हमने रखना है। फिर इसमें आपने शामिल कर देना है अपना ये लेमन, बस और कुछ भी नहीं। ये बॉयल हो जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल। और उसके पहले हम आपको बता दें कि हमको पेस्ट किसका चाहिए। हमको पेस्ट चाहिए इस फ्रेश कोकोनट का, और हमारी जो गार्लिक है उसको हम इसी में शामिल करेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बनाएंगे, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तब आप ढक्कन करके रखेंगे तो ये इस तरीके से अपना पानी, जो चिकन का पानी है, वो वाटर रिलीव करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको पूरा कुक नहीं करना है, बस आपने तेज आंच में इसको ऐसा जल्दी से इसका वाटर रिलीव हो जाए उसको तब तक आपने कुक करना है, और इसको अलग से निकाल लेना है। और उसके लिए हम जो इसमें अपना कुकिंग करेंगे वो डिश हम दूसरी यूज करेंगे। आप स्पेशली इसी अगर डिश में यूज करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम दूसरी डिश यूज करेंगे। आप देखें ये जल्दी से ही एक भाप, मतलब बॉयल आए, रिलीफ हो वाटर, उसके बाद आपको पानी इसका ड्राई कर लेना है और ये चिकन अलग कर लेना है। और ये देखिए हमने आपसे बोला था कोकोनट और गार्लिक का हमने पेस्ट भी बना लिया है, वो समथिंग इतना हो जाएगा 1 kg के लिए। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो फिर ज्यादा मसाले यूज करें। गार्लिक आपकी 2 गांठे पूरी जाएंगी, जो बड़ी बड़ी होती हैं, कम ना करें वरना जायका खराब हो जाएगा आपके चिकनों का। फिर ये हम इसको बॉयल करके निकाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये देखिए हमने पैन चढ़ा दिया है, उसके पहले हम चिकन की शक्ल आपको दिखाएं। चिकन हमने इस तरीके से बॉयल करना है, ठीक है, और ऐसे हल्का सा सौते करना है, पूरा कुक नहीं करना, फ्राई नहीं करना है।
फिर आप क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। हम स्पेशली आपको पहले भी बोले कि हमको मस्टर्ड ऑयल में इसका जायका ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं। आप बेशक जो भी ऑयल यूज करते हैं वो उसमें भी बना सकते हैं। इसमें हमने कम से कम 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे से हीट हो जाने देना है। हीट होने के बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए हमारा ऑयल हीट हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं अपना ये तेजपात और अपना ओनियन। देखिए जब ओनियन की शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी आधी हाफ फ्राई आधी उस तरीके से, तो फिर आपने इसमें क्या शामिल करना है वो हम आपको बताते हैं। उसमें शामिल करना है अपने ये चॉप टमाटर और इनको हल्का सा हमने इन प्याजों के साथ ओनियन के साथ पका लेना है। थोड़ा पक जाए फिर हम बताते हैं इसमें क्या ऐड करेंगे हम। जब हमारे टमाटर कुछ इस तरीके से आपको नजर आए हल्के पके पके से ना, तब आपने इसमें शामिल कर देना है अपनी ये टर्मरिक। टर्मरिक शामिल करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है कोकोनट गार्लिक पेस्ट, जो कि हमने अच्छा बारीक पेस्ट बना लिया और पूरा इसमें शामिल किया है। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपको लगे कि वाटर डालना है तो बेशक आप डाल लें। ये देखिए इसकी शक्ल देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा से तैयार होता है ना। फिर उसके बाद आपने शामिल करनी है अपनी रेड चिली, पूरी ही शामिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने शामिल करना है सॉल्ट टू टेस्ट। याद रखें सॉल्ट अच्छे से डालें। सॉल्ट हमने चिकन वगैरह में नहीं शामिल किया था, तो आपने अपनी हांडी जब बनाए तो ध्यान रखें। इसका खुद ही आप देखें कि कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है ना निकल के। और धनिया आपने अभी नहीं शामिल करनी, इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद हमने धनिया शामिल करनी है। तो इसमें एक भाप बन जाए फिर उसके बाद हम बताते हैं। इसको 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ के पकाया ढकना ढक के। और अब हम उसमें शामिल कर रहे हैं अपनी ये धनिया। आपने भी ऐसे ही करना है, पहले धनिया ना शामिल कर दे, धनिया की जो एक स्मेल आएगी उस डिश में वो अलग से निकल कर आएगी ना। फिर आपने बाद में अगर शामिल करेंगे, पहले शामिल कर देंगे तो फिर नहीं। फिर अब आपको इसको तब तक पकाना है जब तक ये मसाले अच्छे से भुंज ना जाएं, है ना। और अच्छे से जब मतलब है जब ये ऑयल अपना रिलीफ कर दे, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। ये देखिए हमारा मसाला कुछ इस तरीके से भुन चुका है, आप खुद ही देखें इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मसाला हमारा भूनकर तैयार हुआ है, ठीक है। आपने भी इतना ही भूंजना है उस मसाले में ना कि आपका भी मसाला कुछ इस तरीके से नजर आए। फिर आपने क्या करना है हम वो बताते हैं आपको। आपने इसमें शामिल करना है अपना ये चिकन, जो चिकन के पीसेस है वो हम इसमें शामिल करेंगे। हाथ से उठा के ही डालें, अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा चिकन जो छोड़ा होगा अपना बॉइलिंग के बाद वो अगर हो तो ना डाल दें, वरना वो इस आपके चिकन खराब हो जाएंगे और स्मेल खराब हो जाएगी चिकन की। तो फिर बेशक उसको ध्यान रखें, बॉइलिंग के टाइम के बाद भी वो कुकिंग अपनी चालू रखता है और वो स्पेशली छोड़ता भी है वाटर। ये देखें तो आपने भी ध्यान में रखना है वो बॉयल वाला वाटर इसमें ना डाल दें, वरना वो चिकन की एक स्मेल होती है, धमक होती है, वो आपके चिकन को खराब कर देगी। अब इसको आपने धीमी आंच में तब तक पकाना है जब तक चिकन पूरी तरीके से कुक्ड ना हो जाए, ठीक है। और इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं अपना ये गरम मसाला। अभी हमने योगर्ट इसमें शामिल नहीं की है, कब शामिल करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये 20 मिनट से ऐसे ही पक रहा है, हमने इसका ढक्कन अलग करके इसको चलाया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पक रहा है तो आप भी ऐसे ही पकने दें, नहीं, इसका ढक्कन आपने चिकन अपना मतलब देखते ही रहना है, वरना वो मसाले तो नीचे चपक जाएंगे ना और वो जल जाएगी आपकी हांडी। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि वो टमाटर और वो ओनियन आपके कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जब वो हो जाएंगे तब आपने समझना है कि ये चिकन पूरा फुल कुक्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब आपने इसमें शामिल करनी है अपनी योगर्ट। योगर्ट हम बार बार आपको बोलते हैं कि योगर्ट आप कभी भी ऐसे ना शामिल कर दें। योगर्ट हमेशा कभी भी कोई भी जिसमें अगर आप शामिल कर रहे हैं तो उसको फेंट के डाल दें, वरना उससे क्या होते हैं वो एक टुकड़े टुकड़े से आते हैं नजर, जो कि किसी के सामने भी सर्व करो या खुद भी खाओ बेशक
तो वो बहुत ही खराब लगते हैं। तो आपने क्या करना है, इस टाइम इसमें ये योगर्ट शामिल करनी है इस तरीके से। आपने पूरी योगर्ट इसमें शामिल कर देनी है और मिक्स कर देना है। अब आपको अपना गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम हीट में कर देना है, ठीक है। तब ये एक ग्रेवी अपनी जो उसकी वो बोलते हैं अपन तरी, और उसकी जो ग्रेवी बनने के बाद एक आती है वो जब तक ना आ जाए तब तक ही कुक करना है। उसके बाद गैस का फ्लेम आपने बंद कर देना है और इसको डिश आउट कर लेना है बस। तो तब तक का इंतजार करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। कोकोनट टमाटर ओनियन चिकन बनकर रेडी हो चुका है और डिश आउट हो चुका है। इंशाल्लाह से आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नई नोटिफिकेशन के लिए जो सब्सक्राइब के नीचे बटन दिया है उसको जाकर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको एक नई डिश के साथ, यूनिक डिश के साथ इंशाल्लाह से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, दुआओं में याद रखें, बाय बाय।